रुपया मजदूर ली रहा, ना मामा जी गिरा, मेरे भाई और बहनों सबको फ्री देंगे कि बाटा देगा फ्री के, हैं देश बर्बाद करोगा और कहीं बैठ। आज बिक रहे हैं 5 रुपये 4 रुपये किलो, कहाँ है इनकी लागत के पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी जा आज खेत से निकालने के मजदूर को पैसे भी नहीं आ रहे यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। विधानसभा चुनाव से पहले लगातार उपज के दाम गिरने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। वहीं अगर बात की जाए तो आज हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह नीमच कृषि उपज मंडी पहुंचे, जो प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित तमाम राज्यों से किसान आते हैं और उनको आस होती है कि यहाँ पर आने के बाद भाव अच्छे मिलेंगे और भाड़ा आने जाने तक का निकलेगा। लेकिन हालात बड़े नाजुक हो चुके हैं, किसानों को आने जाने का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है। जो किसान के खेत पर मजदूर काम करते हैं, 300 रुपये लेते हैं, उनकी मजदूरी तक यहाँ नहीं निकल पा रही है। ऐसे में किसानों ने सरकार को जम घेरा और उन्होंने जो कई गंभीर आरोप शिवराज सरकार पर लगाए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जो बजट पेश किया, किस तरीके से किसानों को लेकर क्या खास रहा, ये भी जब किसानों से पूछना चाहा तो हम आपको सुनाएं किस तरीके से हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह के सामने किसानों ने क्या कहा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किस तरीके से व्यापारी खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह के सामने किसानों ने क्या अपनी बात रखी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। एक तरफ वित्त मंत्री ने किसानों के बजट को लेकर जिस तरह का बजट का क्या कि किसानों को काफ़ी राहत दे दी गई है, वहीं जो है किसान किस तरह से खून के आंसू रो रहे हैं। प्याज जो है किसानों को खून के आंसू रुला रही, उनका भाड़ा नहीं निकल पा रहा, दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है कृषि उपज मंडी में, बात करते हैं किसानों से किस तरह का भाव मिला। भैया किस तरह का भाव मिला आज आपको? भाव क्या मिला, अब 4 रुपये और 5 रुपये किलो और 1.5 तो हमारा बिका ही नहीं, अब क्या करेंगे हम। उसमें हमने कम से कम 1500 के मजदूर लगाए और 1500 रुपये वापस हमको नहीं मिल रहे यहाँ से, अब क्या करेंगे हम, घर क्या ले जाएंगे यहाँ से। और आज जिस तरह के भाव अभी सामने निकल के आए हैं तो क्या किसानों को खून के आंसू रुला रहा है? प्याज ही नहीं, हर एक फसल रुला रही है, हमें किसी का भाव नहीं मिल रहा। क्या देख लो आप, 4000-5000 हमारा खर्चा हो रहा है अनाप शनाप, उसमें हमें जो लगा रहे हैं हम उसका वो भी नहीं मिल रहा है किसी भी फसल में, देख लो आप। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार किसानों की राहत की बात कर रही है, दूसरी तरफ भाव क्यों नहीं मिल पा रहे? हाँ, राहत क्या दे रही है, हमें तो ये बताओ ना, राहत क्या दी हमको। जो हमें खाद मिल रहा था 800 का कट्टा, इन्होंने 2016-17 का 1800 का कर दिया। जो 900 में हमें मिल रहा था उसका 1800 कर दिया, 800 का 1200-1500 कर दिया। और ये बोल रहे रात रात क्या मिली हमें, क्या मिली इन्होंने। हमारा जो 2000 बिक रहा था वो आज 2 ही बिक रहा है उसका। अभी गेहूँ 3000 बिक रहा था, जो 3 बिक रहा था डायरेक्ट 2000-1800 पे आ गया है। हमारा माल अब आया और डायरेक्ट 2000 पे आ गया, तो हमने क्या कमाया, हमारा तो खर्चा ही नहीं निकल पा रहा है। ये बोल रहे हैं सब कुछ दे रहे, दे क्या रहे हमें। कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसानों के लिए कोई राहत, हाँ कोई राहत नहीं है। डीजल महंगा है, खर्चा मजदूर महंगा है, मजदूर आज 500 रुपये लेता है। जो 200 में मिल रहा था आज वो 400 रुपये ले रहा मजदूर। जो ट्रैक्टर भाड़ा वगैरह सब सारा इंतजाम हमारा बढ़ाई कम क्या हुआ, हमारा फसल का रेट और कम हो गया और खर्चा डबल हो गया, मजदूर डबल हो गया, तो मिला क्या हमें, हमें क्या मिला अभी तक। आप बताओ किस तरह की परेशानी किसानों है? किसानों को हर चीज़ से परेशान, जैसे भाव रेट कम मिलते और डीजल खर्चा, बाजार के चीज़ों का हर चीज़ महंगी है और इनों को ये भाव में लाने ले जाने खर्चा भी ज़्यादा आता है और मजदूर महंगे मिलते हैं और पैदावार का भाव नहीं मिलता है। प्याज की बात करें तो किस भाव बिकी प्याज? प्याज आज 2 रुपये से लगा के 6-7-8 रुपये तक बिकी है, तो मिनिमम 15 रुपये बिकनी चाहिए, तो 15 रुपये में मजदूरी और काश्तकार को कुछ पैसा मिलता है। क्या कहा कि मतलब यहाँ से गांव से लाने का भाड़ा भी निकल पा रहा? भाड़ा 1000 रुपये लेते हैं भाड़ा यहाँ से गांव से लाने का, तो क्या मिलेगा उसमें। और 15 रुपये ये कट्टे के, ये 7 रुपये कट्टे के मजदूरी लेते हैं भरने के, तो व्यापारी काटता है। कहीं ना कहीं कोई राहत नहीं, कहीं राहत नहीं है सरकार की, तो कुछ भी नहीं है ना। आप बता भाई साहब किस तरह की जो परेशानी, किस तरह का भाव आज किसानों को मिल रहा है, कितना भाव मिला आज? अब तक क्या भाव मिल रहा है, भाव तो ये कि आपके सामने है कि 8 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं, 5 रुपये 4 रुपये किलो, कहाँ है इनकी लागत के पैसे नहीं मिल रहे हैं, मजदूरों के पैसे नहीं है पूरे, कहाँ से राहत मिल रही है, किस तरह किसान परेशान हो रहा है? परेशान तो ये बाजार सब तरफ से बाजार उठ के हुए, हर चीज़ का लागत महंगी हो गई है, इनके खाद बीज के पैसे बढ़ा दिए है, तेल महंगा हो गया, हर चीज़ से महंगे बढ़ी, तो किसान कैसे कमा के खाएगा।
आप बताओ भाई साहब किस तरह की परेशानी है? अभी तो प्याज बहुत बहुत सस्ते बिक रहे हैं, भाव भी नहीं मिलती ना, लागत भी नहीं निकल रही है, दवाई भी महंगी, हर खर्चा महंगा, मजदूर महंगा, 400-500 रुपए मजदूर ले रहा है। तो एक सब सरकार कह रही है कि किसानों को भाव को काफ़ी राहत दी है, काहे की राहत नहीं मिल रही, हर 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 चीज़ सस्ता बिक रहा है मंडी में, कुछ भी लाओ कुछ भी माल के भाव नहीं मिल रहे। किसान काफ़ी किलोमीटर दूर से नीमच मंडी में आता है, तो नीमच मंडी में इसलिए आता है कि उसको भाव मिलेगा, भाव मिलेगा। किस कदर परेशान हो रहा है किसान? किसान तो परेशान हो रहा है, किराया भी निकल रहा है, ट्रैक्टर का भाड़ा भी निकल रहा है, 1500 रुपये ट्रैक्टर का भाड़ा ले रहे हैं, कहाँ से किसान कमाएगा? मेरा विजय पाटीदार बरबड़िया। सर देखो जरा सा भी भाव बढ़ जाए तो तोहफे के रूप में इनको रॉकी के रूप में, जब भाव बढ़ते इसके प्याज के तो क्या बोलते हैं, प्याज बहुत महंगा हो गया, तोहफे में भाई बहन को गिफ्ट की जगह प्याज दे रहे, ये बताते हैं मीडिया वाले इनको। अभी क्या भाव है? अभी क्या 4-5 रुपए किलो बिक रहा है, क्या बिक रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा किसान को, तो चलो रोने का आंसू मिल रहे हैं उनको। सरकार के लिए काफी राहत किसानों को दी, कहाँ मिल रही राहत, कहाँ खर्चा कहाँ जा रहा है ये तो देखो, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी जहाँ आज खेत से निकालने के मजदूर को पैसे भी नहीं आ रहे यहाँ से। दादा किस तरह की राहत किसानों को मिल रही? कई रात मिले कांदा वगैरह 8 रुपए किलो, कई वैसा फंसे 300 रुपया मजदूर ली रहा, ना मामा जी गिरा, मेरे भाई और बहनों सबको फ्री देंगे कि भाटा देगा फ्री के, हैं देश बर्बाद करोगा और कहीं देगा। अभी जो बजट पेश किया उस बजट में किसाना हित में कई फैसलो ली, तो आप ही बताओ नहीं कहीं की, तो मामा जी ने गड़ा पड़िया लोगों ने मुआवजा मिलियो गई, धान पानी हड़ी गया लोगों का, कई व्यापार तक कहीं हो गई कण के। अभी आज जिस तरह से किसानों को प्याज मिली है, क्या किसानों को भाव निकल पड़ा? कहीं मिलेगा काका जी 8 रुपए किलो प्याज वगी मगी कहीं मिलेगा, 300 रुपया मजदूर ले रहा गया, सब घाट का लग रहा पैसा और कहीं है, बस और कहीं है, कम से कम 20 रुपए किलो तो प्याज रखना था, समस्या तो वह है। भाड़ा ये इस बात में कोई मतलब संशय नहीं है, प्याज के भाव जो आज के समय में किसानों को मिल रहे हैं, जो प्याज के दाम मिल रहे हैं वो बहुत ही कम है, इसमें न तो इनकी बिनाई कटाई मतलब जुदाई अंदर गड़ाई और खाद बीज का जो पैसा है वो इनके मेहनत का पैसा भी इनको मिल नहीं मिल पा रहा है, तो यह किसान बिल्कुल सत्य बात है कि इसमें किसानों को इनकी उपज का जो इनका खर्च हुआ है उतना दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज एक ऐसा भाड़ा दे अभी प्याज का देखने को मिला जो काफ़ी दूर से आया था लेकिन उसके भाव भी नहीं लगे, मतलब उसका मोल भी नहीं हुआ। ये बात सही है कि जो थोड़ी हल्की किस्म का प्याज है वो 3 रुपये से लेके 4 रुपये 5 रुपये तक बिक रहा है, उसमें किसान को तो लाने का पेमेंट भी पैसा भी बराबर नहीं मिल पा रहा है। किसानों को तो मंडी में तो सब तरह की परेशानी आ रही है, यहाँ माल बेचने आओ तो ही परेशानी है, भाव तो प्याज का तो बहुत डाउन है, अभी गाड़ी भाड़ा भी निकल पा रहा, गाड़ी भाड़ा मजदूरी उपड़े खेत में से निकलना ही मतलब खेत को माल को उखड़ना भी निकल रहा है, कैसे यह चले सरकार? आप बताएं सर किस तरह की परेशानी, क्या किसानों को राहत है? अब परेशानी तो क्या, भाव तो मिल ही नहीं रहा, भाव कम है, अब 1000 रुपये ट्रैक्टर भाड़ा है 20 किलोमीटर के, अब 7 रुपये में ये मिल रहा, 300 रुपये मजदूर ले रहे हैं काटने के उपालने के। एक तरफ शिवराज सरकार कह रही है कि हमने किसानों को काफ़ी राहत दी है, किस तरह की राहत मिली आपको? अब राहत किसानों को कहाँ मिल रही, जो 1200-1300 का DAP था वो 1800 रुपये का हो गया, वो पोटास 1700 हो गया, अब वो राहत डीजल महंगा, ट्रैक्टर की हंकई बढ़ गई, कहाँ से 600-500 रुपये थी 700 रुपये 800 रुपये हो गई घंटे की, अब ये अगर हमारे 15-20 रुपये बिके तो हमें कुछ मिले, अब हमें कुछ नहीं मिल रहा, खाली उधर से हिम्माली ला के इधर हिम्माली कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा, खेत खाली कर रहे हैं, खेत में अब आज 4 महीने में 5 महीने में फसल आ रही, तो अगर हमारी 200-300 रुपये की तो हमारे यही हो जाती है, हमारी मजदूरी हो रही है, वहाँ दवाई महंगी, बिजली के बिल हैं, कुल मिला के कोई राहत नहीं है।
तो देखा आपने किस तरह से जो है किसान परेशान हो रहा है। शिवराज सरकार के राज्य में जो किसानों की जो हालत है, अभी प्याज की अगर बात करें तो आज प्याज 5-2 रुपये से 7 रुपये तक बिका। जिस तरह के हालात बने हुए किसानों को साफ तौर पर कहना है कि हमें गाड़ी भाड़ा तक नहीं पा रहा, मजदूरी नहीं निकल पा रही, जिसके कारण जो है हम परेशान हो रहे। शिवराज सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है कि हम किसानों को राहत दे रहे, किसानों को किसी तरह की कोई राहत नहीं। कुल मिला के जो है प्याज अब किसानों को खून के आंसू रुला रही है। वाइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाही खासी।